हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज ना हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जो कि हेल्प करेंगे। अभी देखिए, हम सभी ना कभी तो ना मेडिसिन खाते ही है, राइट? हमने कभी ना कभी तो मेडिसिन खाए ही है, सबने खाए है, ठीक है? किसी ने बहुत ज्यादा खाए है, किसी ने कम खाए है, ठीक है? चाहे कोई भी प्रकार के हो, एंटीबायोटिक्स हो या फिर स्टीरोइड्स ले लिए हो किसी ने, ठीक है? और हम सभी को डर होता है कि ये जो मेडिसिन्स खाए हैं कहीं इसके हमें साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, राइट? सभी को हमें डर होता है इस चीज का। तो इसी के ऊपर आज हम ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लेके आए हैं कि अगर आपने मेडिसिन्स खाए है, ठीक है, जैसे कोई प्रकार के स्टीरोइड्स के आपने जो मेडिसिन्स लिए है, इंजेक्शन्स लिए है, ठीक है, या अगर आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, किसी को बॉडी पेन होता है तो इसलिए एंटीबायोटिक्स खा लिए, या कुछ इन्फेक्शन हो गया इसके लिए, जैसे कि हमने अभी भी सबने ना कोरोना के वायरस के इंजेक्शन्स लगाए हैं और हम चाहते हैं कि इसके वजह से इसका जो साइड इफेक्ट है ये आपको हो ना। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने मिले हैं कि हमें बहुत अलग अलग प्रकार के ना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड की जो वैक्सीन ली है इसकी वजह से, ठीक है, या कोविड में जो कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने जो कोविड हुआ है किसी को, ठीक है, अगर कोविड हो गया है किसी को तो उसके टाइम पे इन्होंने कोई मेडिसिन लिए हो, स्पेशली स्टीरोइड्स लेते हैं, ठीक है, तभी उन लोगों ने कोई मेडिसिन ली है, तो उससे जो हार्म होता है उससे बचने के लिए आज के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको काम आएंगे, ठीक है। आपको कोविड हुआ है और कोविड का आप जो है आपने मेडिसिन लिया है, तभी आप डॉक्टर के पास गए थे और आपने मेडिसिन लिए है, और आप चाहते हैं कि ये जो मेडिसिन मैंने ली है कोविड के टाइम पे उसके मुझे साइड इफेक्ट्स ना हो, इसके लिए आपको आज के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी प्रकार की मेडिसिन ली हो आपने, उस सभी के लिए तो ये हेल्प करेंगे ही, बट स्पेशली फॉर कोविड आजकल मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है, इसीलिए मैं स्पेशली कोविड के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके, और हाँ, हो सके इतने लोगों तक प्लीज शेयर करिए ये वीडियो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा है हमारा इंस्टाग्राम पेज, आप यहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम हर रोज नए नए एक्यूप्रेशर पोस्ट शेयर करते रहते हैं या फिर मुद्रास हम शेयर करते रहते हैं जो कि ना आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे, आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि कोविड की वजह से ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। फास्ट जो है ना, अचानक से हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, या ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसकी वजह से, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस सभी से बचना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पॉइंट्स जरूर यूज कीजिएगा अपने अगर बहुत सारी मेडिसिन ली हो तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो हमारा जो सबसे पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये होगा एंटीबायोटिक्स के लिए, ठीक है। आपने एंटीबायोटिक्स खाई है, जैसे कि अगर आपको कहीं क्या बोलते हैं, अगर आपको बुखार आ गया आपने मेडिसिन ले ली, ठीक है, आपको फीवर हुआ आपने मेडिसिन ले ली, कफ कोल्ड हुआ मेडिसिन ले ली, हमने कोरोना की वायरस की जो इंजेक्शन लिए थे, ठीक है, सबसे पहले डोजेस लिए थे, वो सभी भी एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो उसकी अगर आपने मेडिसिन ली है, एंटीबायोटिक्स ली है, इसके लिए सबसे पहले हम सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट जानेंगे। हम सभी के लिए सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट ही बात करने वाले, ओके। तो हमारा जो पॉइंट है ये हमारी फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पर है, हमारी इंडेक्स फिंगर पर है। हमारी इंडेक्स फिंगर का जो देखिए हमारी नेल का बेस है, नेल के बेस से जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट नीचे टुवर्ड्स थंब साइड है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है L3, लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप ना अच्छे से प्रेस करेंगे 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर ना मैग्नेट थेरेपी करेंगे। ये जो पॉइंट है ये दोनों भी हाथों पर आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैग्नेट थेरेपी, अगर आपको भी मैग्नेट्स खरीदने हैं तो आप जानते हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और आप भी अपने लिए ये मैग्नेट्स मंगवा सकते हैं। हमारे पास ना छोटी से बड़ी 3-4 प्रकार की अलग अलग किट्स है, ठीक है, आपको सबसे छोटी चाहिए तो आप छोटी ले सकते हैं, बड़ी चाहिए तो आप बड़ी ले सकते हैं, ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको जैसे चाहिए आप वैसी किट ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे एक पेपर टेप पे लेंगे हम एक ब्योल मैग्नेट, और इस ब्योल मैग्नेट को आप इस प्रकार लगाएंगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा वो होगा येलो साइड ऑफ दी मैग्नेट, ठीक है, यानी कि आपको इस पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट को आपको टोन करना है, इसकी एनर्जी को बढ़ाना है। तो ऐसे आपने ये मैग्नेट को इस पॉइंट के ऊपर लगा दिया, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बायलैटरल है, दोनों भी हाथों पर आता है। इस मैग्नेट को आपको 8 से 10 घंटे के लिए लगाकर रखना है,
तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि था एंटीबायोटिक्स के लिए। अगर किसी ने अभी लिए है स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस, ठीक है, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लिए है, स्टीरॉइड्स लिए है अगर किसी ने, इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए अभी चलिए हम एक्यूप्रेशर पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके लिए भी हम ना एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमारी फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पे आता है, हमारी मिडिल फिंगर पर, हमारी मिडिल फिंगर का जो ये बीच का जॉइंट है, ठीक है, इसका अगर आप ना ऐसा वर्टिकली हाफ कर दे तो ये हाफ पे ही आता है ये पॉइंट टूवर्ड्स स्मॉल फिंगर साइड, ठीक है। ये देखिए हमारी मिडिल फिंगर का जो सेकेंड जॉइंट है इसका अगर आप प्रॉपर हाफ कर दे बीच में से, ठीक है, तो इसी के ऊपर आता है ये पॉइंट टूवर्ड स्मॉल फिंगर साइड। इस पॉइंट का नाम है किडनी नाइन। क्या है पॉइंट का नाम? किडनी नाइन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे प्रेशर देंगे 30 seconds to 1 minute। फिर आप इसके ऊपर ना एक मैग्नेट लगाएंगे, इसके ऊपर भी आप ना ब्यूल मैग्नेट का येलो साइड टचिंग स्किन लगाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर भी आप ब्यूल मैग्नेट का येलो साइड टचिंग स्किन लगाएंगे। तो ये होगा आपका ट्रीटमेंट किस चीज के लिए, ये होगा आपका ट्रीटमेंट फॉर स्टीरॉइड्स, ठीक है। अभी ना कोई भी प्रकार का आपने मेडिसिन लिया हो, आपको याद नहीं आ रहा है, आप चाहते कि इसके जो भरे हुए टॉक्सिन्स है ना ये आपकी बॉडी में से निकल जाए, आपके बॉडी में से बाहर चले आए, ठीक है, तो अगर आप ना डिटॉक्स करना चाहते हैं अपनी बॉडी को, अपने बॉडी में से टॉक्सिन निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ना बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकालना चाहते हैं, खराब तत्व जो है ना ये बाहर निकालना चाहते हैं, आपको याद नहीं आपने कौन सी मेडिसिन खाए, आपने स्टीरॉइड्स खाए नहीं खाए, ठीक है, बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स है तो मैं उसे बाहर निकालना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इसके लिए हम अभी एक्यूप्रेशर पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ना ये भी हमारे मिडिल फिंगर पर आता है, हमारे मिडिल फिंगर का ये जो फर्स्ट जॉइंट है, ठीक है, इसका अगर आप वापस बीच में से हाफ कर देंगे तो एकदम सेंटर में टूवर्ड्स, सॉरी, तो एकदम साइड में टूवर्ड्स हमारे थंब साइड आता है ये पॉइंट। ये देखिए ये था स्मॉल फिंगर की तरफ, ये वाला जो पॉइंट है ये टूवर्ड्स अंगूठे की तरफ आ रहा है, ठीक है पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है लिवर थ्री। वापस देखिए हमारी मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट का प्रॉपर हाफ कर दे तो हाफ के ही जस्ट किनारे में, वही लाइन पे किनारे में आता है, टूवर्ड्स थंब साइड आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है लिवर थ्री, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप 30 seconds to 1 minute अच्छे से दबाएंगे, बट यहाँ पे जो मैग्नेट लगेगा ना ये होगा मैग्नेट का ऑपोजिट साइड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ब्यूल मैग्नेट का येलो साइड टचिंग स्किन नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा ब्यूल मैग्नेट का व्हाइट साइड टचिंग स्किन, यानी कि इस पॉइंट को आपको क्या करना है, इस पॉइंट की एनर्जी को आपको रिड्यूस करना है, कम करना है। ये भी जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट जो है ना, ये दोनों भी हाथों पर आता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको मैग्नेट्स ना 8 से 10 घंटे के लिए लगाकर रखने हैं, और जब भी आप इस मैग्नेट्स को निकालोगे तो आपको पेपर टेप्स को फेंक देना है और मैग्नेट्स को ना एक साथ लाकर रख देना ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और आप उसे नेक्स्ट टाइम यूज कर सके। मैग्नेट्स जो है ना ये कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।